आज छोला बनाए थे, इनको भी खाने के लिए दी, अम्मा को भी खाने के लिए दी। इनको बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ की, बोले बहुत टेस्टी बनाए। अभी खुश होने ही वाले थे तब से अम्मा को कहाँ बर्दाश्त। अम्मा तपाक से बोली दी, रची नून कम बा और चटक रहा तो और अच्छा लगा। ये बोले नहीं अम्मा, टेस्टी तो है। अम्मा कहीं, अरे तुहार लसड़ घसड़ खाए का आदत हो गया। तार बहन रहीन कितना टेस्टी बनावत रहीन, एकदम चटक बनावत रहीन, जीव खुश हो जात रहा। हम कहे अम्मा मेरी भी बात सुन लीजिए, इनके बहिना वाला अम्मा अभी आपन वाला दम परोसला ना ये। इतना बोल दिए अम्मा ये बेहोश होके गिर गई, पानी उन्हें छिड़काया जा रहा है, देखिए कब उठती है। जब हम शादी करके आए तो अम्मा कही कि आज के बाद से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हम भी खुशी खुशी ले लिए, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि मेरे आने के बाद इस घर में जो भी गलतियाँ होंगी वो मेरी वजह से होंगी। जैसे उनका बेटा मोटा हो गया तो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने खाने में तेल ज़्यादा डाल दिया। पतला हो गया तो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने टेंशन ज़्यादा दे दिया। यहाँ तक कि सब्जी फल कपड़ा लत्ता जो भी खराब हो रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। और तो और अगर मैं अपने मायके भी रहूँगी और यहाँ कोई गलती होगी तो मेरी वजह से होगी, क्योंकि मैं मायके चली गई। तो भाई हम तो जिम्मेदारी ले लिया, आप लोग सोच समझ के लीजिए। आज हमारे बगल में एक नई नई बहू आई थी तो हमारी अम्मा बुआ सास गई देखने। जैसे ही अम्मा वहाँ से बहू देख के आई, भाई अरे पापा उनका पतो इतनी सुंदर जैसे साक्षात दुर्गा जी बरन का शरीर, वैसन दुल्हन तब आज तक नहीं देखे। तो बुआ सास कही कि अरे तोरो तो पतो निक बा, तुम्हारी अम्मा को कहाँ ये बात हजम हो। कहीं अरे इन तो अब ठीक लगा लगी, नई नई आल तो अखिया नहीं लगत रही। हमके हाँ बुआ जी, हम जब नए नए आए थे तो उनको दाढ़ी मूछ दो तो सींग भी था, वो तो यहाँ समय से आ गए कि दाढ़ी मूछ भी झड़ गया, सींग भी झड़ रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा भी है यहाँ। तब से अम्मा बैठ के वहाँ पता नहीं क्यों हमको देख रही है, कुछ गलत कहती है क्या।